टाइम आ चुका है आपको वही चीज़ दिखाने का। ये रही वो चीज़, मैंने अपने दोस्तों को बताया नहीं कि मैं आरएसपुर आ रहा हूँ, उनको सरप्राइज देते हैं। हेलो, कैसा लगा मेरे सरप्राइज? बहुत सुनो भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आसिफ चंदेल व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो काफ़ी देर बाद आपके लिए व्लॉग लेके आ रहा हूँ। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करना मेरे व्लॉग को एंड कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना ये व्लॉग कैसा लगा। आज के व्लॉग का कुछ ऐसा सीन है, आज का व्लॉग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ एक स्पेशल चीज़ लेने, जो कि आपको इस व्लॉग में पता चल जाएगा किसकी डिलीवरी लेने वाला हूँ। तो बस इस व्लॉग में जुड़े रहो मेरे साथ और आपको सब पता लग जाएगा। सो सबसे पहले चलते हैं छत पे, आपको दिखाते हैं आज उधमपुर का कैसा मौसम है। भाई छत पे तो पानी पानी है और काफ़ी बारिश हुई है सुबह से, तो मैं दिखाता हूँ आपको उधमपुर का कैसा मौसम है आज। बारिश के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है अपना उधमपुर, देखिए इंजॉय करिए इस व्यू को, काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है भाई, फुल अल्टीमेट भाई, क्या क्लाइमेट है ऊपर से। डिलीवरी लेने मैं थोड़ा लेट ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे एजेंसी वालों ने बोला है कि आपके मतलब कि 2-3 बजे के बाद ही, मतलब कि जो भी चीज़ मिलेगी वो आपको ब्लॉग में पता लग जाएगा, 2-3 बजे के बाद ही वो मिलेगी। एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ कि जो भी मैं चीज़ लेने जा रहा हूँ वो मैं लेने जा रहा हूँ जम्मू में, तो बस आपका यही काम है ब्लॉग पूरा देखना है, और क्या पता मैं सीधे अब आपको जम्मू में ही मिलूं, क्योंकि अगर भाई ऐसे तो ऐसे मतलब कि वीडियो बनाने लगूं तो मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। मैं जम्मू पहुंच चुका हूं और इधर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, दिखाता हूं आपको। और ये देखिए भाई लोग, यहां थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, ये देखिए। सो इस टाइम मैं एजेंसी के बाहर पहुंच चुका हूं, दिखाता हूं कहां पे ये एजेंसी। सो ये रही एजेंसी जहाँ से मैं कुछ स्पेशल चीज़ ले रहा हूँ। चलो चलते हैं अब अंदर, काफ़ी बारिश हो रही है भाई, देखिए भाई काफ़ी बाइक्स वगैरह स्कूटी वगैरह लगी हुई यहाँ पे, अंदर चलते हैं। यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा बाइक स्कूटी वगैरह सब कुछ खड़ा हुआ है। मैं भी अपनी जो लेने आए हैं वो भी दिखाता हूँ जल्दी आपको। तो फाइनली अब टाइम आ चुका है आपको वही चीज़ दिखाने का जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, जो मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा, बस उसका टाइम आ चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको मैं क्या चीज़ ले रहा हूँ। सो ये रही वो चीज़, एंड टॉर्क XT 125 TVS की, ये देखिए भाई लोग, बिल्कुल एक नंबर, एक्सेसरी वगैरह सब कुछ लगा दिए। यह है भाई अपनी नई स्कूटी आपके सामने। इसकी मेरे को सबसे अच्छी एक ही चीज़ लगी, इसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है, डबल डिस्प्ले है। फर्स्ट टाइम हमारी स्कूटी में तेल डलने वाला है, खोलते हैं भाई इसको। हेलो भाई, ये देखो भाई आपका भाई हेलमेट वगैरह लगा दिए फुल सेफ्टी के साथ, देखते हैं जहां भी जाते हैं अब आपको मिलते हैं आगे। भाई लोग इस टाइम हम पहुंच चुके हैं बाबा बुडन शाह, आपको पता ही होगा जो सतवारी में चट्टे के पास है, वहां पहुंच चुके हैं। और देखो भाई बाल हेलमेट से खराब हो चुके हैं मेरे काफी ज्यादा, करते हैं इनको सीधा। कभी भी कोई न्यू चीज़ या कुछ अच्छी चीज़ लो भाई, ऐसी जगह हमेशा मेरा मानना है कि आना चाहिए। भाई लोग शूज़ उतार लेते हैं यहाँ पे, तो भाई लोग शूज़ वगैरह उतार लिए हैं, अब जा रहा हूँ अंदर की तरफ, आपको दिखाता हूँ अंदर से। भाई लोग पहुँचने ही वाले हैं हम, यह एंट्रेंस है। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, पैर यहीं धो लेते हैं, पानी है यहाँ पर।
आगे चले गया था मैं, और ये रही हमारी ज़ियारत बाबा बुड्ढन शाह। देखियो भाई, और साथ में ये मस्जिद है। चलते हैं अंदर। फाइनली भाई लोग, मैं ज़ियारत से होके आ चुका हूँ। एक काफ़ी अच्छा और मज़ा आया मेरे को, मतलब कि एक सुकून मिलता है। मतलब कि मेरे को तो ऐसी जगह जाता हूँ, मेरे को सुकून मिलता है। तो अब का कुछ ऐसा प्लान बन रहा है, देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं हम। जहाँ तक मेरे को लग रहा है, हम अब शायद आरएसपुरा जाएँ और अपने भाई लोग से मिलेंगे। मैं अपने दोस्तों से मिलूँगा, काफ़ी देर होगी भाई उनसे मिले हुए। तो मैंने अपने दोस्तों को बताया नहीं कि मैं आरएसपुरा आ रहा हूँ, उनको सरप्राइज़ देते हैं। देखते हैं उनका क्या रिएक्शन क्या रहता है। ठीक है भाई लोग, उनका रिएक्शन देखते हैं। आप सीधे आरएसपुरा जाके मिलते हैं आपसे। भाई लोग, इस टाइम मैं आरएसपुरा पहुंच चुका हूँ और अपने दोस्त अरजीत के घर पहुंच चुका हूँ। उसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉल किया था और पूछा था उससे कहाँ पे है। उसने बोला कि मैं घर पे हूँ। अब मैं सीधे उसके घर जा रहा हूँ, देखते हैं उसका रिएक्शन लेते हैं। उसको नहीं पता कि मैं यहाँ आया हूँ। भाई लोग, वो देखो अंदर बैठा हुआ है, गेम खेल रहा है। हेलो कैसा लगा भाई? और भाई अजीत, कैसा लगा अपना रिएक्शन? मेरे को लग ही रहा था बढ़िया 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 भाई। इसको तगड़ा वाला वो सरप्राइज दे दिए भाई। ये लिया तुम्हें? इसको दिखा रहे हैं अपनी नई स्कूटी, कैसी लगी? ओए बढ़िया बढ़िया। ये ले चाबी, लगा ले। सही है, एंटार्क। और भाई पापा भी आए हैं साथ। चाबी लगा ले, चला के देख ले। मम्मा नहीं बराबर, तीन चार बंदे कहाँ बैठने इस पे? नहीं। और अर्जित भाई हमारी स्कूटी ड्राइव कर रहे हैं। अभी हमारा प्लान बन रहा है दोनों का। अब भाई रिएक्शन देखना शानू का। शानू को भी नहीं मैंने बताया है कि मैं यहाँ पे हूँ, देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा। तगड़ा सरप्राइज मिलेगा भाई, तगड़ा सरप्राइज मिलेगा। जैसे तेरे को दिया था, है ना। मिलते हैं, उसके पास जा रहे हैं। लोग, शानू इस टाइम दुकान पे बैठा हुआ है, वो देखो उसको दिखाते हैं। हेलो, उड़ के और क्या हाल है? मैं ऐसे ही, और क्या कर रहा है? कैसा लगा मेरे सरप्राइज पहले ये बता। उसको भी दिया अर्जित को। वो देखना, वो लाई हुई, वो लगी हुई। और है सही में रोंटे खड़े हो गए। ये इसके पास गया, गेम खेल रहा था। जैसे इसने मेरे को देखा, कहता भाई उस सरप्राइज की खुशी में हमें क्या पिला रहा है शानू, देख लो। तो इस टाइम हम पहुंच चुके हैं शानू के रेस्टोरेंट, और एक और बंदे को हमने सरप्राइज देना है। कवल को सरप्राइज देना है। चल चल चल, किधर बैठा हुआ कवल? बोली नहीं लिफ्ट, खोल दे ऐसे ही। वहां देखते हैं कवल का क्या रिएक्शन रहता है। पहले तू जाएगा, चल हेलो। तू खाए रहना बराबर, खाते रहना। और कैसा लगा मेरा सरप्राइज है? बोला क्या? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बढ़िया लगा। इसको भी भाई फुल सरप्राइज दे दिया, बूम बाम कर दी इसके साथ। और सब बढ़िया। शानू को भी दिया मैंने सरप्राइज बराबर, वो भी हैरान हो गया। ये अर्जित बेचारा गेम खेल रहा था, मेरे को गेम खेलना था, इसको सरप्राइज दिया। ये भाई तू वीडियो ब्लॉग देखना मेरा, इसका क्या रिएक्शन था अजीत का। और कवल भाई हमारी स्कूटी ड्राइव करते हुए भाई मेमोरीज, दिस इज ए मेमोरीज। आए हाय, आए 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 आए। भाई लोग, इस टाइम हो रहा है रात के 9:24, और इस टाइम मैं पहुंचा हूँ। देखो कहाँ पे पहुंचा हूँ, दिखाता हूँ आपको। मैं टनल्स के अंदर हूँ,
जो उधमपुर से जम्मू नेशनल हाईवे आता है उस टनल के अंदर हूँ। और देखो मैं दिखाता हूँ आपको ये रात को कैसे दिखती हैं टनल्स। ये देखो भाई लोग कुछ इस टाइप के भाई टनल्स है। इस टाइम तो शांति है फिलहाल, आगे से गाड़ी वगैरह आ रही है। देखो भाई लोग आवाज सुनो भाई, भाई साहब क्या साउंड है भाई, कितनी ज्यादा साउंड है इधर। तो भाई लोग अब मिलते हैं सीधे आपको घर में। और इस टाइम हो रहे हैं रात के 10:15, तो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूँ ठीक ठाक। तो अभी बैठा हूँ अपने रूम में, तो काफ़ी मतलब कि अच्छा रहा सफ़र। अब वीडियो को सीधे एंड करते हैं क्योंकि अब काफ़ी रात हो चुकी है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो मेरी वीडियो को एंड शेयर करो मेरी वीडियो को एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। इसी के साथ बाय बाय।